जिसके कान हों वो सुन ले, जिसकी आंखें हों वो देख ले। हम उन लोगों के लिए विशेष धन्यवाद देना चाहते हैं जो हमें SBI पे, गूगल पे और पेपल लिंक के द्वारा हमारी सेवकाई में बोते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से आप भी बो सकते हैं। ये हमारे 3 चैनल्स हैं और अब आप हमें टेलीग्राम पर भी ढूंढ सकते हैं। प्रेरितों के काम 21:27। जब वे 7 दिन पूरे होने पर थे तो आशिया के यहूदियों ने पौलुस को मंदिर में देखकर सब लोगों को उकसाया और यों चिल्लाकर उसको पकड़ लिया। यहाँ पर 2 बातें ध्यान दीजिए कि कुछ यहूदियों ने जो एशिया के थे उन्होंने पौलुस को मंदिर में देखकर पहचान लिया है, और दूसरी बात ये है कि उसका रिजल्ट ये निकला कि पौलुस को पकड़ लिया गया, इन यहूदियों की वजह से पकड़ लिया गया है। और आगे लिखा हुआ है कि हे इसराइलियों सहायता करो, ये वही मनुष्य है जो लोगों के और व्यवस्था के और इस स्थान के विरोध में हर जगह सब लोगों को सिखाता है, यहाँ तक कि यूनानियों को भी मंदिर में लाकर उसने अपवित्र कर दिया है इस स्थान को। अब जरा एक बात सोचिए, इन्होंने पौलुस को पहचाना है तो ये कभी ना कभी पौलुस को जानते होंगे या उसके साथ उठे बैठे होंगे, और आज इन्होंने उसे पकड़वा भी दिया है। पौलुस की डेस्टिनी तो हमें पता है कि पौलुस जान का जोखिम लेकर के ही यरूशलेम में आया था और वो उसके साथ हो भी गया, कोई बड़ी बात नहीं है ये। लेकिन जिन लोगों ने उसे पकड़कर फंसा दिया है इनका एक अहम रोल रहा है, या तो ये उस मैसेज को नहीं समझे जो पौलुस ने कभी इन्हें दिया होगा, और या तो फिर शैतान ने इनको उकसाया है कि परमेश्वर का काम बंद किया जाए। वैसे ये दोनों ही बातें सही हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने पौलुस को फंसाया है बड़ा ही जबरदस्त न्याय होगा इनका। कई बार हम लोग प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार बांटते बांटते ऐसा भी कर बैठते हैं कि कुछ ऐसे लोगों तक सुसमाचार पहुंचा देते हैं जिन्हें एक्चुअली प्रभु के राज्य से कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन वो राज्य को नुकसान पहुंचाने का काम शुरू कर देते हैं। लेकिन मैं ऐसे लोगों का हाल पत्रस ने क्या बताया है न्यू टेस्टामेंट में वो दिखाना चाहता हूं आपको। पहला पत्रस 4:2, ताकि भविष्य में अपना शारीरिक जीवन मनुष्यों के अभिलाषाओं के अनुसार नहीं वरन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत करो। ये हिदायत पत्रस दे रहा है विश्वासियों को कि तुम अपना जीवन शारीरिक अभिलाषाओं की तरह अब मत जियो। आगे लिखा है, क्योंकि अन्य जातियों की इच्छा के अनुसार काम करने और लुचपन की बुरी अभिलाषाओं, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, प्रियकल्पन और घृणित मूर्ति पूजा में जहां तक हमने पहले समय गवाया वही बहुत हुआ। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा, ये आपके और मेरे लिए है। जो समय हमने इन सब कामों में खराब कर दिया वही बहुत कर दिया हमने, वही बहुत हुआ। इससे वे अचंभा करते हैं कि तुम ऐसे भारी लुचपन में उनका साथ नहीं देते। ये वाला जो वे लगा है ये इसलिए लगा है कि ऐसे लोग, वो लोग अचंभा करते हैं कि हम या तुम ऐसे भारी लुचपन में अब उनका साथ नहीं देते हो, इसीलिए तो वो बुरा भला कहते हैं, मतलब बकते हैं, आपके खिलाफ बकते हैं। ये जो वे हैं ये वही लोग हैं जिनके साथ कभी समय बिताया था आपने, या फिर इंजील शेयर की थी, प्रभु के बारे में बताया था, या फिर चर्च में इन्वाइट किया था, और आज हुआ ये है कि वो आपको सताने का काम कर रहे हैं। देखिए, हमसे उनकी कोई दुश्मनी नहीं है ये बात हम जानते हैं, लेकिन उन्होंने दुश्मनी पाल ली है, और उसकी वजह ये है क्योंकि अब हम वैसा जीवन नहीं जी रहे जो हम पहले जीते थे, अब हम उनके बुरे कामों में उनका साथ नहीं दे रहे हैं, ये वजह है हमें सताने की। लेकिन आपके इस कठिन मसीही जीवन को जीते हुए देखकर उन्हें कोई खुशी वगैरह नहीं हुई, बल्कि पीछे पड़ गए हैं वो आपके। अब पत्रस ने इनका हश्र क्या बताया है ये आगे लिखा है, 5वीं आयत, पर वे उसको जो जीवितों और मरे हुओं का न्याय करने को तैयार है लेखा देंगे। यीशु मसीह जीवितों का यानी जिंदों का और जो मर चुके हैं उनका भी न्याय करेगा, और जो भी वो कर रहे हैं मसीह के राज्य के खिलाफ में उसका लेखा उसी को देना पड़ेगा जो मुर्दों में से जी उठा है, यानी हमारा यीशु मसीह। चाहे आपको सताना हो या फिर कोई और भी प्लानिंग जो वो आपके खिलाफ कर रहे हैं, पौलुस को आशिया के लोगों ने पकड़कर फंसा दिया था, उन्हें भी लेखा देना पड़ेगा अपना। लेकिन आपके लिए या विश्वासियों के लिए, मेरे लिए ये बात है कि हमने जो पहले समय खराब कर दिया बस वही बहुत कर दिया था, अब तो हमें मसीह के राज्य के लिए बहुत कुछ करना है। बस एक थोड़ा सा अफसोस इस बात पर रखिएगा कि हमने बीते जमाने में समय बहुत खराब किया है, वही बहुत हुआ सबको। जय मसीह की।